आज हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रांगण में हम पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत करते हैं। सहयोगी और सोशल जस्टिस के चेयरमैन जीतंगराज जी, हम यही कहना चाहते थे कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार अपनी सफाई का काम हो, जल और कोई काम हो, स्वच्छ भारत अभियान का हो, जो बाकी काम हो, अपना काम लगातार कर रही है और सभी एक सफाई कर्मचारी से लेके और ऊपर तक सभी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि हमारा शहर जो है 105 अंक इन्होंने उछाल लिया है और 254 पे आया है सफाई व्यवस्था में। हम आगे मेहनत करने की कोशिश करेंगे कि ये 2 डिजिट में आए। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा इशू जिसके लिए आज मैं बात करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि हमने एक मेमोरेंडम बनाया है, वो गवर्नर साहब को भी दे रहे हैं और इसकी कापी डिपका हम DC जम्मू को भी भेज रहे हैं कि जम्मू शहर के नालों की सफाई और डीप ड्रेन। जम्मू शहर में 104 बड़े नाले और 171 डीप ड्रेन हैं, उनकी सफाई हम 15 फरवरी से शुरू की थी और लगातार करते रहे। उसी का नतीजा है कि जम्मू शहर में ज़्यादा पानी लोगों के घरों में नहीं गया, छिटपुट घटनाएं हुई उसको देखते हुए काफ़ी बचाव रहा। लेकिन जो बात सामने में आई, जो देखने में आई कि जो नाला कुछ समय में 200 फुट हुआ करता था, आज वो नाला 20 फुट है। जो 20 फुट का नाला था वो आज 10 फुट की ड्रेन बनी है और 10 फुट वाली ड्रेन जो है वो 1.5 फुट की 2 फुट की ड्रेन बन गई है। बहुत सारी जगहों पे चाहे वो अधिकारियों की मिलीभगत हो या कुछ लोगों द्वारा इनक्रोचमेंट हो, उसको देखते हुए नाले जो सिकुड़ गए हैं और पानी को अपनी जगह चाहिए। जो पानी आएगा, जो आज 200 साल पहले आता था, 100 साल पहले आता था, आने वाले 100 साल में भी इतना आएगा। मेरी यही एक डिमांड है, यही मैंने एक भेजा है पूरा एक मेमोरेंडम बना के कि आने वाले 20 साल को देखते हुए जो स्मार्ट सिटी हम जम्मू की बात करते हैं, जितना नाला चाहिए, जितना पानी को पैसेज के लिए जगह चाहिए, एक एक्सपर्ट की टीम बनाई जाए। उस एक्सपर्ट की टीम को देखते हुए जितनी जगह चाहिए इंक्रोचमेंट हटानी है उसको हटाई जाए। लोगों ने जिसकी लोगों की ज़मीनें आती हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए उसी पैटर्न पे, जैसे रोड खुला करने के लिए देते हैं उसी ढंग से इनको भी दिया जाए। जब तक और जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया है इसका पूरा प्रोजेक्ट बना के इसको भी बीच में शामिल किया जाए ताकि पानी जो लोगों के घरों में जाता है, लोगों की परेशानी होती है, जान और माल का भी नुकसान होता है, उससे भी निजात मिले। करोड़ों रुपया हर साल बजट सिर्फ इसीलिए जाता है कि नाले ओवरफ्लो ना हो, नाले का पानी ना जाए, लेकिन नाले का जितना वॉल्यूम है उसका हम सफाई तो कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक स्मार्ट ड्रेन प्रोजेक्ट किया जाए ताकि आने वाले समय में हम इसको पूरे तरीके से काम करें। ये हमारा मेन मकसद था जम्मू शहर को साफ सुथरा रखने के लिए। माता रानी की कृपा से जम्मू शहर की टोपोग्राफी भी ऐसी है कि अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं तो आने वाले दिनों में पानी आने की लोगों के घरों में कोई संभावना नहीं रहेगी। ये हम मेन बात कहना चाहते थे। बाकी जो इस COVID-19 के चलते जिस तरह हमारी टीम, चाहे मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, हमारे चेयरमैन हैं, सफाई कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, सभी ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया है, तो मैं मुख्यतः यही कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब इसका संज्ञान ले। मैंने उनको भी मेमोरेंडम भेजा है, हमारे डिपकॉम साहब को भी भेजा है, DC मैम को भी भेजा है और कॉरपोरेशन में भी बात की है। जम्मू शहर की आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने करोड़ों रुपया नालों की रिपेयर और नालों को बनाने के लिए खर्च भी किया है। बाकी डिपार्टमेंट हैं, चाहे UED है, चाहे ERA है, उन्होंने भी काम किए हैं। लेकिन जब तक एक स्मार्ट प्रोजेक्ट नहीं बनेगा और उसको प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे तब तक जम्मू शहर को इस परेशानी से निजात नहीं मिल सकती। आगे वाली प्लानिंग को रखते हुए पैसा हम खर्च करते हैं, इसका भी वेस्ट जाता है, लोगों की टैक्स की कमाई है, गड़े पसीने की कमाई है, ये सही ढंग से लगे। यही करते हुए मेरा आज कहने का मकसद था। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, हमारी बात को आगे पहुंचाने का माध्यम है। बलदेव जी, आपने कहा कि अवैध कब्जा है नालों के आसपास में, इंक्रोचमेंट हुई है, क्या म्युनिसिपैलिटी जब इस अवैध कब्जे को हटाने जाएगी तो
तो वहां पर क्या इस बात की गारंटी है कि अगर किसी बड़े नेता का मकान या उसकी जमीन आती है तो उसको भी वापस लिया जाएगा? देखो, जो अवैध कब्जे की आप बात कर रहे हो, अवैध कब्जा में शामिल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी भी मिली मगत है। नाले के किनारे कैसे बेचे गए, नाले के किनारे पे जो ज़मीनें थी उनकी रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई, उनको भी इंक्वायरी करनी चाहिए। जैसे रोशनी एक्ट की इंक्वायरी हो रही है, इस चीज़ की भी इंक्वायरी हो। और जब इंक्रोचमेंट हटानी है तो उसमें फिर कोई भाई भतीजावाद बड़ा छोटा नहीं देखा जाए। वो मैं कहता हूँ कि सिर्फ जस्टिस होना चाहिए सभी के साथ एक बराबर, चाहे वो मजदूर है, किसान है, गरीब है, अमीर है, चाहे बड़ा नेता है, चाहे बड़ा ब्यूरोक्रेट है, वो किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए। हाल ही में स्वच्छता को लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक मीटिंग हुई जिसमें से के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया। कारण ये बताया गया कि जब मीटिंग हो सकती है तो हाउस क्यों नहीं लग सकता? हाँ, हमारे कारपेंटर्स का, काफ़ी कारपेंटर्स की ये अभी बात देखने में आई कि कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करके SOP है कि जगह लोग बैठ नहीं सकते, कहीं ना कहीं चाहे बाहर जगह की जाए, कुछ की जाए, उसकी मीटिंग होनी चाहिए। ये उनकी डिमांड है, उनकी नहीं, हम सभी चाहते हैं कि मीटिंग हो। मेयर साहब से भी बात हुई है, अभी मेयर साहब ने बात की है कि हम शायद कन्वेंशन हॉल या कहीं से और अरेंज करके इस मीटिंग को करेंगे। मुझे लगता है कि जल्दी ही हाउस की मीटिंग होगी।